नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पावर तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी बहुत छोटी सी वीडियो है। आज हमारे पास एक स्टेबलाइजर रिपेयर होने को आया है, जो कि ये हमारा 500 वाट का है। इसे हम फ्रिज पे यूज़ करते हैं, ये फ्रिज पे यूज़ करने वाला स्टेबलाइजर है। इसकी दोस्तों जो समस्या है, ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है, खट 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 की। तो आज दोस्तों इसी फॉल्ट को हम ठीक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसमें देखें तो इसमें केवल दो रिले यूज़ किया गया है, एक ट्रांसफार्मर, एक कट प्लेट, आईसी प्लेट जो हमारी रिले को ऑपरेट करती है। और यहाँ से दोस्तों अगर हम आपको दिखाएं तो ये हमारा 110 वोल्ट से ये हमारा 280 वोल्ट तक ये काम करेगा। इसकी आउटपुट दोस्तों जो होगी वो 190 वोल्ट से 250 वोल्ट, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा 0.5, यहाँ पे आपका लिखा हुआ दिख जाएगा। ये 500 वाट का हमारा स्टेबलाइजर है। तो चलिए दोस्तों इसे पहले अभी हम आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर को हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे एसी रेंज में। इसकी डिस्प्ले पे हम इसकी आउटपुट वोल्टेज आपको दिखाएंगे कि ये हमारा कितना आउट कर रहा है, कितने आउट करने के बाद ये हमारा इस तरीके का आवाज़ करने लगता है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा वेरियर जिससे हम वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे, और अब हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रही है। ये हमारा अभी आप देखोगे ये हमारा आ गया है 210-20 के आसपास, और 230 पे ये पहला स्टेप हमारा कट कर देगा। 230 हो चुका है, अभी हमारा कट कर देगा, आपको आवाज़ मिल जाएगी। ये देखिए ये हमारा 230 के आसपास ये हमारा कट कर दिया। दूसरा स्टेप जो होगा दोस्तों वो हमारा कट नहीं कर पा रहा है, उसी पे हमारा आवाज़ करने लगता है। ये देखिए दूसरा स्टेप है जो हमारा कट नहीं कर पा रहा है, वही हमारा आवाज़ करने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का दोस्तों इसमें आवाज़ आती है, और काफ़ी तगड़े की स्पार्किंग भी होती है। यहाँ पे एक बार मैं अभी आपको फ्लैश लाइट ऑफ करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों आपको इसकी स्पार्किंग बहुत तगड़े की स्पार्किंग है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा तेज स्पार्क कर रहा है, यही दोस्तों इसकी समस्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख ही लिया किस तरीके का ये आवाज़ कर रहा है। पहला स्टेप हमारा अच्छे से काम कर रहा है, 240-230 के करीब ही हमारा कट कर रहा है, यानी हमारी आउटपुट की जो रिले है वो ठीक है। और दूसरी रिले जो हमारी है जो कि इनपुट की है, ये वाला हमारा आउटपुट का है, ये वाला हमारा इनपुट का है। और दोस्तों अगर हम इनपुट की रिले पे देखें तो यहाँ पे आपको जला हुआ दिख जाएगा, शायद ये अंदर से चिपक गई है, या फिर इसके अंदर जो इसकी कॉयल होती है वो जल गई होंगी। इनपुट की दोस्तों जो हमारी रिले होगी वो हमारी जो यहाँ पर मेन 220 वाली वायर है, उसकी एक वायर आपका यहाँ पे आके डायरेक्टली लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड वाला वायर है, ये हमारा ये मेन लीड 220 से आया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये डायरेक्टली ये हमारा मेन 220 यहाँ पे आया है। आउटपुट आप पहचानोगे, आउटपुट की यहाँ पे जो हमारी वायर होगी वो सीधे हमारी सॉकेट पर चली गई होगी। तो जैसा कि ये हमारा रेड वाला वायर आउटपुट है, तो ये हमारा इधर से हम आपको पकड़ के दिखा दें, यहाँ पे हमारा सॉकेट आउटपुट में डायरेक्टली लगा हुआ है, यह रेड वाला वायर ये आ गया है। तो हमारी फर्स्ट वाली रिले जो कि आउटपुट की है, सेकंड वाली रिले इस तरह से देखें तो ये हमारी इनपुट की है। तो इनपुट को ये रिले हम चेंज करेंगे। तो हमारे पास अभी ये देखिए दूसरी रिले हमारे पास नहीं है, तो चलिए इसके लगा के उसके बाद चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरी रिले लगा दी है, पुरानी वाली रिले जो थी ये देखिए ये अंदर से जल चुकी थी, इसी के कारण हमारा ये काफ़ी ज़्यादा स्पार्क कर रहा था और ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो हमने इसको नया डाल दिया है। चलिए एक बार इसे चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा मल्टीमीटर कनेक्ट है सेम उसी तरीके से, और हम यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 150-180, ये हमारा धीरे धीरे अभी हमारा 238 के करीब कट किया। दूसरा स्टेप जो हमारा नहीं कट कर रहा था
ये देखिए 240 के करीब वो भी कट कर दिया। तीसरा स्टेप भी हमारा 240 के करीब ये भी कट कर दिया और ये स्टेबलाइजर पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो दोस्तों यही छोटी सी इसकी समस्या थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने YouTube चैनल पावर तक पे अपलोड किया करता हूँ। वीडियो देखने के लिए